हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल हिंदी टैरो टैग ट्रिपल टू। मैं हूं पल्लवी। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। सो गाइस, आज मैं आप सभी लोगों के लिए लेकर आई हूं फिर से एक और नई रीडिंग। और आज हमारी इस रीडिंग का टॉपिक है करंट एनर्जीज ऑफ योर पर्सन। साथ ही में एक्शंस देखेंगे और आप लोगों के लिए गाइडेंस के कार्ड्स भी निकालेंगे कि जो भी सिचुएशन आती है उस मामले में आपको क्या करना है। बस आपको यहाँ पर ये जरूर ध्यान रखना है जो भी रीडिंग है वो जनरल कलेक्टिव और एक टाइमलेस रीडिंग होगी। मैरिड अनमैरिड कोई भी पर्सन ये रीडिंग देख सकता है। ऑल साइन बेस्ड है और एनर्जीज कुछ कुछ मामलों में वाइस वर्सा हो सकती हैं। जेंडर स्पेसिफिक नहीं है, यानी कि लड़का लड़की कोई भी ये रीडिंग देख सकता है। गाइड कीजिए यूनिवर्स प्लीज, डिवाइन प्लीज, आर्कएंजल्स प्लीज, होली एंजल्स प्लीज, स्पिरिट गाइड मुझे गाइड कीजिए। बताइए व्यूअर्स के पर्सन किस वक्त में क्या करंट एनर्जीज हैं। गाइड कीजिए यूनिवर्स, बताइए गाइड कीजिए यूनिवर्स और डिवाइन प्लीज, आर्कएंजल्स प्लीज, होली एंजल्स प्लीज, स्पिरिट गाइड मुझे गाइड कीजिए। बताइए व्यूअर्स के पर्सन की क्या करंट एनर्जीज हैं इस वक्त में। गाइड कीजिए यूनिवर्स, बताइए। फर्स्ट वन इज हीलर ऑफ द एजेस, द थिंकिंग मैन, गॉडेस ऑफ द मून सन एंड सेकेंड चक्रा आर्कएंजल एरियल। देखिए गाइस, मुझे यहाँ पर ये दिखाई दे रहा है कि आपके पार्टनर जो है ना बहुत ज्यादा सोचते हैं, एक्सेस में बहुत सोचते हैं और कहीं ना कहीं इनकी ये जो सोचने की आदत है ना यही इन्हें ले डूबी है। आप लोगों के रिश्ते को खराब करने का कारण आपके पर्सन का ज्यादा सोचना है। यहाँ इस तरह की एनर्जीज आई है। मुझे यहाँ पर ये दिखाई दे रहा है कि इन्होंने कुछ ऐसी चीजें अपने मन से लगा रखी हैं जो इन्हें दर्द पहुंचा रही हैं और उससे हील होना चाहते हैं, उस दर्द से निकलना चाहते हैं पर निकल नहीं पा रहे हैं। आपके पार्टनर को इस वक्त में ऐसा लग रहा है कि इनकी लाइफ की जो भी खुशियां हैं वो इनसे छीन ली गई हैं। इन्हें खुशियां देने के बाद इनसे छीन ली गई हैं, इन्हें ऐसा फील होता है। और कहीं ना कहीं इनकी ये एनर्जीज आई है कि ये अपनी खुशियों के साथ मिलना चाहते हैं, जुड़ना चाहते हैं, लेकिन इन्हें ऐसा लग रहा है कि इनकी अब तो खुशियां ही इनसे रूठ गई हैं कि अगर ये अपनी खुशियों की तरफ बढ़ेंगे तो खुशियां तो नहीं मिलेंगी लेकिन उससे ज़्यादा इन्हें जख्म ज़रूर मिलेंगे जिससे इन्हें हील होने में और ज़्यादा दिक्कत आएगी। तो आपके पार्टनर अब इस वक्त में ना अपनी खुशियों से ही डर रहे हैं, खुश होने से, मुस्कुराने से डर रहे हैं, उस तरह की एनर्जीज आई है। यहाँ पर ये भी हो सकता है कि आप भी ऐसा ही फील करते हो, आपकी भी एनर्जीज हो, क्योंकि आप दोनों एक दूसरे से बेइंतहा प्यार करते हो और एक दूसरे से सोल लेवल पे आप लोग कनेक्ट हो। यहाँ पर ये चीजें दिख रही हैं, तभी आप लोग एक जैसा फील करते होंगे। आप दोनों को लगता होगा कि खुशियां रूठ गई हैं, आ नहीं रही हैं, आप लोग मिल नहीं रहे हो और दोनों को ही सोचने की बहुत ज्यादा आदत होगी। इस तरह भी यहाँ पर चांसेस हैं। मुझे यहाँ पर ये दिखाई दे रहा है कि आप लोग ना डीप इनसाइड चाहते हो कि रीयूनियन हो जाए, आप लोग मिल जाओ, लेकिन कहीं ना कहीं दोनों के ही मन में ये चीजें हैं कि अपने अपने तरीके से, यानी कि आपके पर्सन अपने तरीके से चाह रहे हैं और आप अपने तरीके से, इसीलिए आप लोगों का रीयूनियन होने में प्रॉब्लम आ रही है। दोनों ही अलग अलग शर्तें, अलग अलग बात, अलग अलग चीजें लेकर बैठे हो, इसीलिए चीजों में सुधार होने में दिक्कतें आ रही हैं। ठीक है, और आप नहीं सोचे हुए हो तो आपके पर्सन जरूर यहाँ पर कुछ सोचे बैठे हैं क्योंकि इन्हें सोचने की ज्यादा आदत है। इस तरह की एनर्जीज हैं। ठीक है, चलिए क्लैरिफाई करते हैं। सबसे पहले हीलर ऑफ द एजेस को क्लैरिफाई कीजिए यूनिवर्स, बताइए यहाँ पे हीलर ऑफ द एजेस का कार्ड क्यों आया है। गाइड कीजिए यूनिवर्स, बताइए हीलर ऑफ द एजेस का कार्ड यहाँ पर क्यों आया है। 1 2 3 4 यहाँ पे आया है एरीज लियोन सजिटेरियस मेष सिंह धनु राशि जमनाय लिब्रा एक्वेरियस मिथुन तुला एंड कुंभ राशि कैंसर पाइसेस एंड स्कॉर्पियो कर्क मीन एंड वृश्चिक राशि और यहाँ पे आपकी आई है एक्वेरियस एनर्जी। देखो गाइस, सबसे पहली चीज तो आपके पर्सन सही में यहाँ पर दर्द में है और उसका कारण है कि इन्हें बार बार रह रहकर आपकी मेमोरीज आ रही हैं, आपकी यादें इन्हें बार बार आ रही हैं, इसीलिए इन्हें काफी ज्यादा दर्द हो रहा है। यानी कि इन्हें ऐसा लग रहा है कि इनसे इनकी खुशियां, इनका प्यार, इनका सब कुछ छीन लिया
लिया गया है, इसीलिए ये ज्यादा दर्द में है। और अपनी खुशियों के तरफ ये बढ़ नहीं पा रहे हैं, अपनी खुशियों के लिए कुछ कर नहीं पा रहे हैं, अपने आप को स्टक महसूस कर रहे हैं, इसीलिए अपने आप को काफ़ी ज़्यादा दर्द में फील कर रहे हैं। और मुझे यहाँ पर ये भी दिखाई दे रहा है कि आपके पार्टनर ना, जो इनकी लाइफ में चीज़ें चल रही हैं या कोई चीज़ काम नहीं कर रही है, कोई मूवमेंट नहीं पकड़ रही है, उन चीज़ों का ये बर्डन भी बहुत ज़्यादा ले रहे हैं, इसीलिए ये दर्द में है। लेकिन इन्होंने आपके साथ इनका जो भी रिश्ता है उसके मामले में होप अभी तक नहीं खोई है, इन्हें अभी भी यही है कि इस रिश्ते में रीयूनियन भी होगा, आप लोग मिलकर रहोगे चाहे कुछ भी यहाँ पर क्यों ना हो जाए। यानी कि अपने आप को ये चीज़ें कह कहकर दिलासा देते हैं, ऐसा यहाँ पर दिख रहा है, पर अपने आप को दर्द में ज़्यादा महसूस कर रहे हैं, स्टक ज़्यादा महसूस कर रहे हैं, क्योंकि चीज़ों के प्रति कुछ कर नहीं पा रहे हैं, यहाँ ये चीज़ें हैं। ठीक है, थिंकिंग वुमेन को क्लैरिफाई कीजिए यूनिवर्स और बताइए यहाँ पे द थिंकिंग वुमेन का कार्ड क्यों आया है, गाइड कीजिए यूनिवर्स और बताइए यहाँ पर थिंकिंग वुमेन का कार्ड क्यों आया है, गाइड कीजिए यूनिवर्स और बताइए। 1 2 3 4 यहाँ पे आया है डेविल, द हाई प्रीस्ट, किंग ऑफ वॉन्स एंड प्रिंस ऑफ पेंटिकल्स। तो एनर्जीज यहाँ पे आई हैं आपकी टॉरस वर्गो एंड कैप्रिकॉन, वृषभ कन्या एंड मकर राशि, एरीज लियो एंड सजिटेरियस, मेष सिंह एंड धनु राशि। यहाँ पे आपकी कैप्रिकॉन की एनर्जी हो गई और हाई प्रीस्ट आपकी हो गई कैंसर एनर्जी। देखो मुझे गाइज यहाँ पर ये दिखाई दे रहा है कि आपके पर्सन इस वक्त में ना काफी ज्यादा एग्रेसिव एनर्जी में है, और यानी कि एक तरह से आपके पर्सन बहुत ज़्यादा चिड़चिड़े हो गए हैं, लोगों से गुस्सा करना, लोगों पे नाराज़ होना और बातें ज़्यादा सोचना, और एक होता है ना कि हर किसी पे अपनी फ्रस्ट्रेशन निकाल देना, उस तरह की एनर्जीज इनकी दिख रही हैं। उसका कारण यहाँ पर ये है कि इनके दिल में बहुत सारी चीज़ें एक साथ चल रही हैं, और वो सारी चीज़ें चल रही हैं आपके बारे में और चीज़ें सॉल्व ना होने के बारे में, इस तरह की एनर्जीज आई है। तो चीज़ें ये मूव नहीं कर रही हैं, आप लोग मिल नहीं पा रहे हो, तो फ्रस्ट्रेट हो रहे हैं और बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं एक्सेस में। यहाँ पे अपना फोकस काम की तरफ लगाना चाह रहे हैं, अपना ध्यान अपनी जॉब पर, अपनी ग्रोथ पर, अपने आप पर लगाना चाह रहे हैं, लेकिन घूम फिर कर आपके बारे में ही सोचते हैं और फिर उसके बाद गुस्सा होते हैं, अपने आसपास के लोगों पर चिल्लाते हैं, उस तरह की एनर्जीज है। इन्हें ऐसा लग रहा है कि ये जो भी आप लोगों के बीच में प्रॉब्लम्स हुई है ना, ये चीजें सही कर लेंगे, लेकिन नहीं कर पा रहे हैं, इसीलिए और फ्रस्ट्रेट हो रहे हैं, इसीलिए और ज्यादा परेशान हो रहे हैं। यहाँ पर इस तरह की एनर्जीज ज्यादा आई है। ठीक है, यानी कि आपके पर्सन इस वक्त में ना शॉर्ट टेम्पर्ड बहुत ज्यादा हो रहे हैं, शायद नेचर भी ऐसा ही है उनका, लेकिन इस वक्त हर किसी पर ये चिल्ला रहे हैं। यहाँ पर ये चीजें हैं क्योंकि ये बहुत ज्यादा सोचते हैं और चीजें हो नहीं रही हैं, इसीलिए इनकी ऐसी एनर्जीज आई है। इनकी इंट्यूशन से इन्हें क्या कह रही है, गाइड कीजिए यूनिवर्स और बताइए। द मून को क्लैरिफाई कीजिए, इनकी अंतरात्मा, मेरे व्यूअर्स के पर्सन की अंतरात्मा ने क्या कह रही है। 1 2 3 4 द टावर, एट ऑफ कप्स, एस ऑफ सोर्स एंड किंग ऑफ सोर्स। तो यहाँ पे आया है कैंसर, पाइसिस एंड स्कॉर्पियो, कर्क, मीन एंड वृश्चिक राशि, जेमिनी, लिब्रा एंड एक्वेरियस, मिथुन, तुला एंड कुंभ राशि एंड एरीज की एनर्जीज आई है। देखो मुझे गाइज यहाँ पर ये दिखाई दे रहा है कि आपके पर्सन की अंतरात्मा इन्हें ये बोल रही है कि आप लोगों की लाइफ में ये जो टावर मूवमेंट आया है, ये जो तूफान आया है, ये जो आप लोग अलग हो गए हो, उसका कारण था इनका मूव ऑन होने के डिसीजन की वजह से। ठीक है, इन्होंने जो आपके लाइफ में मूव ऑन कर लिया, उसी वजह से इनकी लाइफ में और आपकी लाइफ में टावर मूवमेंट आया है। ठीक है, और इन चीजों का इन्हें एहसास हो रहा है और इनकी अंतरात्मा इन्हें यही चीज बोल रही है कि ये उस वक्त जो भी आप लोगों के बीच में वजह थी, आज मैं वजह पे नहीं जा रही हूं, काफी डीप में जाना पड़ेगा उसके लिए, तो आप लोगों के बीच में जो भी वजह थी उस वक्त में ही आपके पार्टनर उस चीजों पे क्लियरिटी लेकर आते, उस चीज के लिए स्टैंड लेते, तो आज आप लोगों की लाइफ में ये टावर मोमेंट नहीं आया होता, आज आप लोग अलग अलग नहीं हुए हुए होते। तो इनकी अंतरात्मा इन्हें ये बोल रही है कि इन्हीं का डिसीजन इन्हें ही ले डूबा है, इन्हीं के डिसीजन ने इनकी दुनिया खराब कर दी है, बर्बाद कर दी है। और आपके पार्टनर के साथ
ये हो रहा है गाइस कि ये जाकर भी जा नहीं पा रहे हैं, यानी कि सोच रहे थे आपकी लाइफ से चले जाएं, पूरी तरह से ये चले जाते, मूव ऑन कर लेते, तो ये शायद फिर भी इस टावर मूवमेंट के बारे में, इस तूफान के बारे में नहीं सोचते। लेकिन ये आपकी एनर्जी से आज तक नहीं निकल पाए हैं, इसी वजह से आपके पर्सन ये सोच रहे हैं, इनकी अंतरात्मा इन्हें ये बोल रही है कि यही क्लियरिटी लेकर आते, यही चीजों को सॉल्व करते, तो आज ये हालत इनकी और आपकी नहीं होती। यहाँ पर ये चीजें हैं, ठीक है, यानी कि जो भी आप लोगों के बीच में इश्यूज थे, जो भी ऑब्स्टिकल्स थे, वो चीजों को सही करने का उस वक्त में इन्हीं का ही काम था। यहाँ ये चीजें दिख रही हैं। सेकेंड चक्र आर्केंजल एरियल को क्लैरिफाई कीजिए, यूनिवर्स बताइए री यूनियन के बारे में क्या सोच रहे हैं। गाइड कीजिए यूनिवर्स बताइए री यूनियन के बारे में क्या सोच रहे हैं। 1 2 3 4 यहाँ पे आया है कैंसर पाइसेस एंड स्कॉर्पियो कर्क मीन एंड वृश्चिक राशि, कैंसर एनर्जी जेमिनी लिब्रा एक्वेरियस मिथुन तुला एंड कुंभ राशि, एरीज लियो एंड सजिटेरियस मेष सिंह एंड धनु राशि। देखिए ये रीयूनियन के बारे में तो गाइस बिल्कुल सोच रहे हैं, ये आपके साथ नई शुरुआत करने के बारे में, आपकी तरफ बढ़ने के बारे में बिल्कुल सोच रहे हैं। लेकिन ये भी साथ में सोच रहे हैं कि जो इन्होंने आपसे मूव ऑन करने का डिसीजन लिया, जो इन्होंने आपको चीट करा, आपके पीठ पीछे घंजर खोपे, वो चीजें कैसे सही करेंगे, अब कैसे जाकर सही करेंगे, ये ऐसा सोच रहे हैं। इनकी एनर्जीज यहाँ पर आई है, रीयूनियन ये आपके साथ चाहते हैं, पास्ट को ये कैसे सही करें उस बारे में ज्यादा सोच रहे हैं। यानी कि ओवरऑल आपके पार्टनर को ऐसा लग रहा है अब की चीजें आप लोगों के बीच में बहुत खराब हो गई हैं, बहुत कड़वाहट आ गई है, और इतनी कड़वाहट आ गई है कि इन्होंने आपको इतने गहरे घाव दिए हैं कि अब ये उन चीजों को, उन जख्मों को भर नहीं सकते हैं, ऐसा ये सोच रहे हैं। इनकी एनर्जीज यहाँ पर ये दिखाई दे रही है, ठीक है। द सन के कार्ड को क्लैरिफाई कीजिए, बस बताइए यहाँ पे द सन का कार्ड क्यों आया है। 1 2 3 4 यहाँ पे आया है जेमिनी एनर्जी जेमिनी लिब्रा एक्वेरियस मिथुन तुला कुंभ राशि, और यहाँ पे एरीज की एनर्जीज आई है। देखो गाइस मुझे बेसिकली यहाँ पर ये दिखाई दे रहा है कि आपके पर्सन दो सिचुएशन में तो यहाँ पर अटके पड़े हैं, ठीक है। यहाँ पे द लवर्स, टू ऑफ सोर्ड्स और द हाई प्रीस्ट, और यहाँ पर ये कार्ड रखिए आप, जो मुझे ये बता रहा है कि आपके पर्सन बेसिकली दो सिचुएशन में अटके पड़े हैं। एक तरफ आप, इनका प्यार, इनका सब कुछ, इनकी दुनिया, इनकी लाइफ आप ये समझ लीजिए, और दूसरी तरफ ये पर्सन जिसकी तरफ इन्होंने जाने का डिसीजन लिया, जिसकी बात इन्होंने मानी, जिसके अकॉर्डिंग ये चले, और जिसकी बातों में आकर इन्होंने आपसे ब्रेकअप करा। तो आपके पार्टनर इस वजह से कंफ्यूज ज्यादा दिखाई दे रहे हैं कि ये अपनी खुशियां किस में देखें, अपने प्यार में देखें, या जिसकी तरफ ही आप गए थे पास्ट में उसकी तरफ अब देखना शुरू कर दें। यहाँ पर इस तरह की एनर्जीज आपके पर्सन की आई है। आपसे ये आज भी बेहद प्यार करते हैं, आप इनके दिल में आज भी हो, आपके ख्याल भी इनके दिल में हैं, और आपको छोड़ने का इन्हें पछतावा भी हो रहा है। लेकिन इन्हें ये नहीं समझ में आ रहा है कि करे तो करे क्या, क्योंकि खुद से छोड़ा, खुद से डिसीजन लिया। आपके सामने तो इनकी ये प्रेजेंटेशन रही ना कि इन्होंने आपको छोड़ा, चाहे पीठ पीछे आपके क्या हो रहा था कुछ पता नहीं है आपको, आपको ये भी नहीं पता होगा काफी लोगों को कि वजह क्या है, तो पीठ पीछे की वजह तो इन्हें ही पता है, तो उस बारे में ये बहुत ज्यादा सोच रहे हैं कि ये अपनी खुशियां किस में देखें, आप में या जो दूसरी तरफ इनके पर्सन है उसमें देखें। चलिए देखते हैं आपके पर्सन ये जो डिसीजन लेने के बारे में सोच रहे हैं इसमें किसका साथ देंगे, किस डिसीजन की तरफ बढ़ेंगे, ठीक है। यानी कि इस टू ऑफ सोर्स को ही क्लैरिफाई करते हैं, साथ में एक्शन के बारे में भी पता चल जाएगा। गाइड कीजिए यूनिवर्स प्लीज, डिवाइन प्लीज, आर्कएंजल्स प्लीज, होली एंजल्स प्लीज, स्पिरिट गाइड मुझे बताइए टू ऑफ सोर्स के कार्ड को क्लैरिफाई कीजिए, बताइए किसकी तरफ बढ़ेंगे, फाइनली किसकी तरफ बढ़ेंगे, गाइड कीजिए यूनिवर्स और बताइए किसकी तरफ बढ़ेंगे, गाइड कीजिए यूनिवर्स बताइए, गाइड कीजिए यूनिवर्स और बताइए मेरे व्यूअर्स के पर्सन फाइनली किसकी तरफ बढ़ेंगे, गाइड कीजिए यूनिवर्स बताइए मेरे व्यूअर्स के पर्सन फाइनली।
डाइट कीजिए वैसा बताइए मेरे व्यूअर्स के परसेंट फाइनली किसकी तरह बढ़ेंगे, डाइट कीजिए ने वैसा बताइए 3 4 5 6 यहाँ पे आया है गाइस, देखिए 4 of Wands, द टावर, 8 of Cups, आई होप आपको दिख रहे होंगे, 6 of Swords, 2 of Wands एंड द सन। मैंने यहाँ पे 6 ही कार्ड्स निकाले हैं। देखो गाइस मुझे यहाँ पर ये तो डेफिनेटली दिखाई दिया था, यहाँ पर द टावर और 8 of Cups दोनों कार्ड एक साथ आए हैं, जो इन्होंने भी डिसीजन लिया था जिस मामले में ये बहुत ज्यादा सोच भी रहे थे कि इन्होंने ये जो भी डिसीजन लिया वो खुद से ही गलत लिया। वही चीज है 8 of Cups इन द टावर का कार्ड, जिस बारे में ये बहुत ज्यादा सोच रहे हैं करंट में भी। हमारा सवाल था कि ये किसकी तरफ बढ़ेंगे, फाइनली अल्टीमेटली किसका हाथ थामेंगे, जो दिखाई दे रहा है ये आपका हाथ थामेंगे। अगर आप लोग मैरिड हैं तो डेफिनेटली अपनी खुशियों की तरफ, आपकी तरफ आने का डिसीजन लेंगे, और शायद आप लोग यहाँ पर कहीं और जाकर रहो, यानी कि आप जहाँ पर अभी रहते हो करंट में वहां ना रहकर आपकी जगह यहाँ पर बदल जाए, यहाँ पर ये चांसेस दिख रहे हैं। अगर आप लोग मैरिज करना चाहते हो तभी भी आपके पर्सन अपनी मैरिज लाइफ की तरफ, अपनी खुशियों की तरफ बढ़ेंगे, आपकी तरफ बढ़ने का डिसीजन लेंगे, और हो सकता है आप लोग शादी भी बहुत जल्द कर लो यहाँ पर, ठीक है, इस तरह के चांसेस हैं। अगर आप किसी मैरिड पर्सन से डील कर रहे हो और आपके पार्टनर ने उस वक्त में आपको छोड़ा, तो यहाँ पर आपके पार्टनर आपकी तरफ बढ़ेंगे, लेकिन आप लोगों के बीच में सिर्फ और सिर्फ बातचीत होगी, ऐसा नहीं है कि आप लोग कहीं मूव कर जाओगे। यानी कि अगर आप लोगों के बीच में बातचीत का सिलसिला बंद हो गया था, जिसमें आप लोग खुश होते थे एक दूसरे से बातचीत करके, तो वो फिर से स्टार्ट होगा, इस तरह से दिखाई दे रहा है। यानी कि ओवरऑल आपके पार्टनर इन दो डिसीजन में से आपकी तरफ ही बढ़ेंगे, क्योंकि इन्हें ये डिसीजन लेने के बाद खुद से बहुत ज्यादा पछतावा हो रहा है, खुद से बहुत ज्यादा रिग्रेट हो रहा है। इसीलिए सवाल उठता है कब, कब तक होगा ये जो भी होगा, गाइड कीजिए बस बताइए कब तक होगा ये जो भी होगा, गाइड कीजिए बस बताइए कब तक होगा ये जो भी होगा। द टावर, द हेरोफेंट, कमिटमेंट तो यहाँ पर काफी लोगों को मिल जाएगा, काफी लोगों की शादी होते हुए दिखाई दे रही है। टावर का कार्ड आप लोगों की रीडिंग में 3-3 बार आया है गाइस, है ना, यानी कि बहुत बड़ा तूफान आप लोगों की लाइफ में चल रहा है इस वक्त। और ऐसा ही नहीं है कि ये तूफान सिर्फ और सिर्फ आपको महसूस हो रहा है, ये तूफान तो आपके पार्टनर को भी बेनतहा महसूस हो रहा है, ये चीजें दिख रही है। और इसी तूफान को फील करने की वजह से ही आपके पर्सन आपकी तरफ बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं, आपका हाथ थामते हुए ज्यादा दिखाई दे रहे हैं। समय यहाँ पर मुझे दिखाई दे रहा है गाइस, देखिए 16 दिन और 16 हफ्ते, यानी कि 16 दिन से लेकर 16 डेज से लेकर 16 वीक्स के अंदर अंदर काफी लोगों के पार्टनर उनकी तरफ बढ़ जाएंगे, यहाँ पर इस तरह की एनर्जीज आई है। चलिए देख लेते हैं, अब हमारा सवाल नेक्स्ट था कि आपको क्या करना चाहिए जो भी सिचुएशन आई है उस मामले में, गाइड कीजिए यूनिवर्स डिवाइन प्लीज आर्कएंजल्स, 1 2 3 गाइड कीजिए यूनिवर्स, बताइए क्या करना चाहिए व्यूअर्स को इस सिचुएशन में, काफी सारे आ गए, चलिए देख लेते हैं। 10 of Swords का कार्ड होता है, जो आपके पर्सन भी इस रिश्ते के बारे में बार बार सोच रही है ना कि ये रिश्ता खत्म हो गया, रिश्ता खत्म हो गया, तो ये वही कार्ड आया है। तो यहाँ पे आया है, सबसे पहले रीबर्थ को ही ले लेते हैं, रीबर्थ, कॉन्शियसनेस, प्रोजेक्शन, ट्रेवलिंग एंड द सोर्स। देखिए गाइस, आपसे यहाँ पर ये बोला जा रहा है कि आपको ना इस रिश्ते के प्रति पॉजिटिव होना पड़ेगा और बहुत एक्सेस में होना पड़ेगा, क्योंकि आप में से काफी लोग अपने पर्सन को मिरर कर रहे हो, जैसा आप सोच रहे हो सेम आप अपने पर्सन तक वही वाइब्रेशंस पहुंचा रहे हो। जैसे कई बार होता है ना कि आप नेगेटिव हो जाते हो, आप रोते हो, परेशान एक्सेस में हो जाते हो, और आपको रीजन ही नहीं पता होता कि आप परेशान क्यों हो रहे हो। उसका कारण यहाँ पर ये है कि आपके पर्सन उस एनर्जीज में होते हैं और आप उस एनर्जीज में पहुंच जाते हो, यानी कि आप सही होते हो, नॉर्मली आप अपनी लाइफ में मूव करना चाहते हो, पॉजिटिव रहने की कोशिश कर रहे हो, सडनली आपको ऐसा लगता है नहीं नहीं हो पाएगा। वो बेसिकली आपकी एनर्जीज नहीं होती, आपके पर्सन की एनर्जीज होती है, क्योंकि आप लोग एक दूसरे से कनेक्ट हुए हो, सोल लेवल पर
आप दोनों एक दूसरे से कनेक्ट हुए हुए हो, तो एक दूसरे को मिरर कर रहे हो। आपकी पर्सन भी यहाँ पर यही सोच रहे हैं रिश्ते का एंडिंग हो गया, लेकिन आपसे यहाँ पर बोला जा रहा है आपको ये नहीं सोचना कि रिश्ते का एंड हो गया, आपको सोचना है कि इस रिश्ते का तो पुनर्जन्म हो गया, ये रिश्ता तो फिर से रीयूनियन में आ गया, आप लोग फिर से मिल गए। और ये चीजें आपको कॉन्शियसली और सबकॉन्शियसली बहुत पक्के इरादे के साथ सोचना है, यहाँ पर ये चीजें बोली जा रही हैं। इन चीजों के प्रति अगर आपको किसी रिसोर्सेस की जरूरत पड़ती है तो आप वो भी देखिएगा कैसे आप मैनिफेस्ट कर सकते हो, कैसे अपने पर्सन को अपनी लाइफ में लेकर आ सकते हो, कैसे पॉजिटिव हो सकते हो। इस तरह से आपको अपनी आपको उस एनर्जीज में रखना है। आपको ना कहीं अपने पर्सन की कॉल को मैनिफेस्ट करने के लिए बोला जा रहा है विद द ट्रैवलिंग कार्ड, या फिर इस तरह से कि आप लोगों के रिश्ते में एक मोमेंट आ रहा है, आप लोग मिल रहे हो इस तरह से कि आपके पार्टनर आपकी तरफ ट्रैवल करके आ रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर भी ट्रैवलिंग के ही कार्ड आए थे और आपके पार्टनर आपकी तरफ ट्रैवल करके ही आना चाह रहे हैं। तो आपको यही चीजें मैनिफेस्ट करनी है कि आपके पर्सन आपके पास ट्रैवल करके आ रहे हैं, आप लोगों के रिश्ते का रिबर्थ हो रहा है, आप लोग मिल रहे हो और आप लोग वापस से मिल गए हो, आपकी खुशियां वापस से आ गई हैं, ऐसा आपको सोचना है। यानी कि आपको एकदम स्ट्रांग लेवल पे अपने पार्टनर को मैनिफेस्ट करना है। और जो लोग ट्विन फ्लेम और सोलमेट जर्नी में हैं वो लोग तो यहाँ पर बिल्कुल यही चीज कीजिएगा, क्योंकि आप लोग तो बहुत एक्सेस में एक दूसरे को मिरर करते हो, इसीलिए मैं आपसे बोल रही हूँ। ठीक है, तो ये थी मेरी रीडिंग, आई होप गाइस आपको पसंद आई हो, आपको कुछ तो गाइडेंस मिली हो, आप कुछ तो पॉजिटिव हो पाए हो। अगर आपको कुछ इस रीडिंग से हेल्प मिलती है तो प्लीज बताइएगा जरूर, और चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, ताकि इसी तरह से नई नई रीडिंग्स नए नए टॉपिक्स मैं आपके लिए लेकर आ सकूं, और हम लोगों का साथ हम लोगों का प्यार यूं ही बना रहे। आज के लिए बस इतना ही, ओके बाय बाय।